इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्ड्स हैं, फेयरली एंड रादर, दोनों को मात्रा दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कि फेयरली का यूज हमेशा गुड सेंस के लिए होता है और रादर का यूज हमेशा बैड सेंस के लिए होता है। लिखा है मौसम ज्यादा ही गर्म है। अब मौसम कुछ ज्यादा गर्म हो जाए तो हम लोग तो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, भाई आपका क्या हाल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम यहां पर रादर का यूज करेंगे क्योंकि मौसम कुछ ज्यादा ही गर्म है बुरे सेंस के अंदर, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, कॉफी जो हम पीते हैं ना, कॉफी ज्यादा ही गर्म है। अब कॉफी कुछ ज्यादा ही गर्म हो तो अच्छी बात है ना, धीरे धीरे वो अपने लेवल पे आ जाएगी और हम उसे पी लेंगे, यानी कि एक अच्छे सेंस में यूज हो रहा है। तो यहां पर हमने फेयरली का यूज करा क्योंकि गुड सेंस के लिए हम फेयरली का यूज करते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि इस सेंटेंस में हम फेयरली या रादर क्या यूज कर सकते हैं। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद तो बहुत करता हूं। एज शी इज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो ज्यादा ही खूबसूरत है। बताइए अच्छे सेंस में या बुरे सेंस में, क्या लगाओगे आप इसके अंदर। अब इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं।